सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप करनाल पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब का माइक पकड़ लो, ये भी नजदीक लगा दो। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की है। ये लड़ाई और ये सम्मान कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का है। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि अगर आप निष्ठावान तरीके से सालों साल कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी ना केवल मान सम्मान देगी परंतु लोगों की लड़ाई लड़ने के आपको काबिल बनाएगी। आज मोदी जी ने, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने आज हमला बोल रखा है हरियाणा के खेत खलिहान पर, और वो गिरवी रखना चाहते हैं खेत खलिहान को, हरियाणा की खेती को। पर वो ये जान लें कि दिल्ली से हरियाणा तक की सरकारों को तख्ता पलट कर देंगे अगर उन्होंने SC BC के हमारे भाइयों की मजदूरी, हमारे आड़ती भाइयों की दुकानदारी और खेत खलिहान को गिरवी और गुलाम रखने का षड्यंत्र किया। इन काले कानूनों का निर्णायक विरोध हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मिनट सर, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। दोस्तों जो अहंकारी सरकारें हैं उनको कभी भी ना जनरल डायर को लाठीचार्ज दिखा था और ना आज की भाजपा सरकार को दिखी है। ये तो किसान के छाती पर लगे हुए जख्म हैं जो जब बदलेंगे वोट की चोट में तो खट्टर साहब को ये बात समझ में आएगी और दुष्यंत चौटाला को। धन्यवाद। देख सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार है उस पर हमला बोला है रणदीप सिंह सुरजेवाला। आप देख सकते हैं कि बहुत भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं और ये देखिए लोग किस तरह से अपना समर्थन यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। सीधी तस्वीरें करनाल से किस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। गौरव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे रणदीप सुरजेवाला जी? आज हरियाणा की एक शान रणदीप जी को बनाने के बाद एक नया जोश भर दिया गया है। मैं आदरणीय राहुल जी का, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक युवा नेतृत्व दोबारा से हरियाणा को दिया है जिसके अंदर एक नई ऊर्जा हमारे जो युवा साथी रणदीप जी को चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर किस तरह से स्वागत भी किया और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने नेता का स्वागत करने के लिए। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं किस तरह से जो नाहर सिंह संधू हैं उन्होंने ये पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है यहाँ पर करवाया था और बेहद ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, करनाल नेशनल हाईवे से लगातार कितना भारी जो जन समर्थन है वो फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष में रहते इतना बड़ा समर्थन अगर नजर आए तो ये अपने आप में बड़ी बात जरूर कही जा सकती है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। आप देख रहे हैं IPL 24। मैं हूँ आकर्षण कपूर, करनाल से आप सबके साथ लाइव। धन्यवाद।